आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा ताकि आप लोगों के फॉर्म में कोई प्रकार की गलती ना हो। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो देखिए क्या गलती होने के कारण 10,500 बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। तो ऐसा गलती आप लोग ना करें इसके लिए मैं वीडियो हर वक्त बनाते रह रहा हूँ। तो लेकिन आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं अभी यूट्यूब पर थोड़ा नया हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पे बने रहिए। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है और स्कॉलरशिप आप लोगों का कब से भराना स्टार्ट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट, सभी बातों का चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर पूरा बने रहें। साथ में अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, आप लोगों को फ्री में मेरे द्वारा PDF दिया जा रहा है जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, जिसको पढ़ के आप 90% से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये PDF आप लोगों को कैसे मिलेगा तो इसके बारे में भी मैं जानकारी अपने वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पे पूरा बने रहे और पूरा डिटेल से लाइन बाय लाइन समझे ताकि आप लोगों का पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। देखिए सबसे पहला लाइन है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर तक लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेबसाइट में चेंजिंग कर दिया है, यानी थोड़ा सा अंतर कर दिया है, चीज वही है, काम वही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। क्या क्या परिवर्तन है अब गौर से आप लोग देखिए और समझिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10 सितंबर से आवेदन लिया जाएगा, 9 अक्टूबर तक स्वीकार किया जाएगा, यही 10 तारीख से चालू हो गया है। यह आवेदन 2022-2023 के लिए स्वीकार किया जाएगा, यानी अगर आप 2022 में पास आउट किए हैं तो आपका सेशन 2022-2023 के लिए है, यानी ऑनलाइन आवेदन आप करिएगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलते मिलते 2023 आ ही जाता है। तो आगे समझिए आप लोग, लेकिन पिछले वर्ष आवेदन करते समय बहुत बच्चों ने गड़बड़ी कर दिया था, जिसके कारण 10,500 छात्र छात्राओं का आवेदन गलत हो गया, जिनके कारण उनका स्कॉलरशिप अब तक उनके अकाउंट में नहीं आ पाया है। 2022-2023 में छात्र छात्राएं भी आवेदन के समय यह गलती नहीं दोहराए, इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने गाइडलाइन जारी किया है। इसमें समझाया गया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-2023 के लिए कैसे आवेदन करें। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन नहीं करना है, यानी अल्पसंख्यक अगर आप हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे आपको आवेदन नहीं करना है। आप लोगों के लिए अलग एक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन का साइड आया है, NSP 2.0। NSP के बारे में मैंने पहले समझाया हुआ है, NSP का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग भर दीजिए। 30 सितंबर आप लोग का लास्ट डेट रखा गया NSP का, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हर महीने 1,000 रुपया भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिससे आप लोग अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप 3 सालों तक दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल देता हूँ, आप वीडियो नहीं देखे हैं तो समझ लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। आगे हम लोग देखते हैं, मैंने पूरा पेपर पढ़ लिया, आप लोगों को इतना लंबा पढ़ के आप लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि क्या क्या आप लोगों को करना होगा। तो आप लोग चले जाइएगा अपने किसी भी नज़दीकी कैफ़े में या दुकानदार के पास और कहिएगा आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कौन सा आपका जाति है, कास्ट है, आप लोग बताइएगा। और आप लोगों को ले कर जाना है ओरिजिनल मार्कशीट, स्कूल से जो मिल चुका है वो ले कर जाइएगा, अपना आधार कार्ड ले कर जाइएगा, साथ में अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाइएगा, अपना आय प्रमाण पत्र लेके जाइएगा, अपना निवास प्रमाण पत्र लेके जाइएगा और जाके आप लोग ऑनलाइन कराइएगा स्कॉलरशिप के लिए। और आप लोग 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप 12th पास किए हैं तो 12th क्लास पास करने वाले केवल गर्ल्स को ही छात्रवृत्ति मिलता है, लेकिन अगर आप 10th क्लास का फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन है तो आप
लोगों को सबको छात्रवृत्ति मिलेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा कंडीशन ये है कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा, अगर आप सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं तो आपको 8,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन 8,000 रुपया हर बच्चे को नहीं दिया जाएगा, ये दिया जाएगा ST और SC वाले बच्चों को ही 8,000 रुपया दिया जाएगा जो सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं। जनरल कैटेगरी OBC EBC वालों को नहीं मिलता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग चले जाइएगा फॉर्म भरवाने और आप लोग का फॉर्म भरा ही नहीं पाएगा। तो आप लोग समझिए इस बातों को, और साथ में हम समझते हैं कि आप लोग अपना सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लेके जाइएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना सामना करना पड़े और आप लोगों का 10,000 या 8,000 रुपया जो भी रकम है पैसा है आप लोगों के अकाउंट में सक्सेसफुल चला आए, लेकिन इसको आने में 6 महीना से के आसपास वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है। तो आप लोग कितना नंबर लेकर आए हैं मैट्रिक या इंटर में आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए आपका कितना नंबर आया हुआ है, ताकि मैं आप लोगों को आगे की पढ़ाई बेहतर करने में थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक डाल देता हूं, जिस लिंक से आप जुड़कर आप लोग बेहतर से बेहतर अपना पढ़ाई बना सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को PDF फ्री में देने वाला हूँ। PDF आप लोगों को फ्री में पढ़कर जो PDF मैं दूंगा 90% से ज़्यादा नंबर आप लोग ला सकते हैं, ये मेरा पूरी तरह से गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप लोग 90% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ज़्यादातर आप लोग सोचिएगा टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में पहले का भेजा हुआ मैसेज नहीं दिखाई देता है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में पहले का भेजा हुआ सारा मैसेज दिखता है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में पहले का भेजा हुआ जो भी नोट्स होगा आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप लोग दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा ये रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, इसलिए आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हेल्प हो सके, आगे किसी बच्चे को परेशानी ना हो पैसे के मामला में, स्कॉलरशिप के मामला में, या आप लोगों के नोट्स के मामला में, नोट्स के लिए दर दर भटकना पड़ता है बच्चों को, वो ना करना पड़े। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।